आदमी नहीं कर सकता है। बुजदिल लोग कर सकते हैं, जो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं ना, वो लोग कर सकते हैं, पर आपकी नियत पे जो है वो सामने आएगा ही। आपकी जो नियत है वो आपके सामने आएगा, मेरी जो नियत है वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया, ये मैंने गलती की। आप लोगों के नजर में ये मैंने गलती की, लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया। कभी कोई गाना गा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को। आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है, मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे गोल है दुनिया गोल, आप जो करोगे ना इट विल कम बैक टू यू, आएगा वो वापस आएगा, और आ रहा है ये आप भी जानते हैं, आ रहा है वापस घूम के। दूसरे को इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए, इतना ज्यादा नहीं किया जाए कि कोई कदम गलत उठे। इट्स अ रिक्वेस्ट, और मुझे जब जब भी कुछ होगा, मुझे पता है मन में ऐसा लगता होगा कि बात बात पे क्या लाइव आएगी, चुप चुप बैठ के इज्जत के मारे डर से चुप हो जाएगी, इसलिए ये ग्रुप बना के किसी को नीचा गिराना, रिपोर्ट मारना, ये सब करना बंद करिए, क्योंकि इसके पीछे भी लॉ जो है, लॉ का रूल जरूर पढ़िएगा। लॉ में लिखा है हर एक नागरिक स्वतंत्र है। तो इसके ऊपर भी स्टेप उठाया जाएगा, और स्टेप उठाया जाएगा। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार हम गाली दे देंगे या हम नेगेटिव बोल देंगे तो ये डेमोलाइज हो जाएगी, हमने बोल दिया खत्म हो गई बात। खत्म नहीं होती है, अब नहीं होती है। जरा पता करिए गूगल पे जाके, साइबर क्राइम पता करिए। अगर आप कुछ नेगेटिव लिखते भी हैं तो आप तुरंत में आएंगे सामने। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी जो जैसा कर रहा है वो सामने आना ही है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी यही बोलूंगी कि जो जैसा करता है उसके सामने आना है, और वो दुनिया को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा, वो भी आएगा सामने। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और हिम्मत मुझे देते रहें, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी बिहार की बेटी हूँ, मैं भी यूपी की बेटी हूँ, मैं भी इसी भारत की बेटी हूँ। ऐसी ही लड़ती रहूंगी, ऐसी ही डटी रहूंगी, जिसको जो करना है कर ले। और ये मन में कहीं से भी नहीं आना चाहिए कि गिर के, गिड़गिड़ा के रोड पे आ जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। नहीं, ये भ्रम हटा लेना आप सभी लोग मन से, गिर जरूर जाएगी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। देर को भरना रहे, पांच छह बार आए, फटाफट लो। थैंक यू वेरी मच, मुझे सिर्फ यही बताना था, और फील्डिंग ना, बैटिंग है करना, और मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे श्रोतागण को जानना ये बहुत जरूरी था। तो फील्डिंग, थैंक यू, प्रणाम, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कान पकड़ के सॉरी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए, कि वो मुझे रोता नहीं देखना चाहते हैं, पर
हो नहीं पाया, कंट्रोल नहीं हो पाया।